संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। निलंबन के बाद अधिकांश विपक्षी सदस्य संसद में उपस्थित नहीं थे। दूरसंचार विधेयक यानी कि टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा से ध्वनिमत में मंजूरी दे दी गई। इसे लोकसभा से बुधवार को संक्षिप्त बहस के बाद पारित किया गया। विधेयक का उद्देश्य सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अस्थायी रूप से दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण लेने की अनुमति देना है और उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए एक गैर नीलामी मार्ग भी प्रदर्शन करना है। ये केंद्र को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क पर कब्जा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा ये सार्वजनिक आपातकाल के मामले में भी अपराध करने के लिए उकसाने को रोकने के लिए संदेशों के प्रसारण को रोकने और अवरोधन करने का प्रावधान करता है। विधेयक के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं से प्रेस संदेशों को तब तक रोका या हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियमों के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। संसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकारी नियंत्रण की अनुमति देने वाले इसी विधेयक को पारित किया। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सिम की कॉपी करना क्राइम में शामिल है। दूरसंचार नियामक ट्राई की शक्तियों को सीमित करता है। लाइसेंस रिटर्न करने के लिए नया कानून। प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए इजाजत है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन नए तरीके से। जुर्माने की राशि में कमी होने जा रही है। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को कम किया गया। अब ये 5 करोड़ है जो कि पहले 50 करोड़ था। टावर के लिए मिलने वाली छूट खत्म। किसी भी तरह की सरकारी गैर सरकारी जमीन पर टावर को लगाने के लिए किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। मीडिया के लिए नया प्रावधान। नए विधेयक के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के मैसेजेस को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियम के तहत प्रतिबंधित न किया गया हो। नए विधेयक से ओटीटी और सोशल मीडिया कंपनियां खुश हैं क्योंकि ओवर द टॉप ओटीटी या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग को दूरसंचार की परिभाषा में नहीं रखा गया था। इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवाएं मुहैया करवाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत भी मिल सकती है। उनसे इंटरनेट कॉलिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इस विधेयक को पारित करने के लिए अधिकांश विपक्षी सदस्य सदन में उपस्थित ही नहीं थे। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।